हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जानिए सी सेक्शन डिलीवरी की पूरी जानकारी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। सिजेरियन डिलीवरी का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई महिलाएं केवल प्रसव के दर्द से बचने के लिए ही इसका सहारा लेती हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? क्या केवल दर्द से राहत पाना ही इसका मकसद है? आखिर किन विशेष परिस्थितियों में सिजेरियन करवाना चाहिए? आखिर सिजेरियन के क्या खतरे हैं? सिजेरियन करवाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब के बारे में आज जानिए इस वीडियो में। सिजेरियन अथवा सी सेक्शन प्रसव का वो तरीका है जिसमें शिशु के जन्म के लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है। कुछ परिस्थितियों में सी सेक्शन पहले से ही तय किया जाता है, जबकि अधिकतर मामलों में ये परिस्थितियाँ होता है। सर्जरी के बाद माँ के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है कि ऑपरेशन के बाद इस स्थिति को कैसे सामान्य करें। दिनचर्या और महिलाओं के स्वास्थ्य के कारण आजकल सिजेरियन सेक्शन के जरिए डिलीवरी ज्यादा हो रही है। इसके अलावा अगर पहले भी सिजेरियन से डिलीवरी हो चुकी है तो डॉक्टर दूसरी बार भी सी सेक्शन कराने की सलाह देते हैं। सिजेरियन सेक्शन के बाद सी सेक्शन प्रसव के तुरंत बाद से माँ के शरीर की स्थिति देखी जाती है। इस दौरान ये देखा जाता है कि जो दवाई आपको दी गई है उनका असर कितना हुआ है। दवाई का असर कम करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आराम कीजिए, इससे शरीर को रिलैक्स मिलेगा और आपका तनाव भी कम होगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद आपको ध्यान खुद ही रखना होगा। इस बीच बच्चे के जन्म के पहले हफ्ते में आपके मिजाज में बदलाव होता है। हार्मोन में बदलाव, थकावट और बच्चे की चिंता आपको परेशान कर सकती है। ये आम बात है और कुछ दिनों में आप नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन कई गंभीर मामलों में कुछ महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं। एब्डोमिनल बेल्ट। कई महिलाएं सी सेक्शन डिलीवरी यानी सिजेरियन के बाद अपनी एब्डोमिनल बेल्ट को उतार कर रख देती हैं। उन्हें शिकायत होती है कि बेल्ट को पहनने से उन्हें परेशानी महसूस होती है और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है तो आपको ये एब्डोमिनल बेल्ट जरूर पहननी चाहिए। इससे पेट को सपोर्ट मिलता है और पेट की बढ़ी हुई चर्बी भी अंदर चली जाती है। तरल पदार्थ का सेवन। सी सेक्शन के बाद ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन कीजिए। ये डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हुई कमी की भरपाई करता है। तरल पदार्थ को पीने से कब्ज की शिकायत नहीं होती है। इसके अलावा मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन भी नहीं होता है। दवाई का प्रयोग करें। इस समय शरीर में बहुत तेज दर्द होता है। दर्द को कम करने के लिए आप दर्द निरोधक दवाई का प्रयोग कर सकती हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर पेन किलर का उपयोग भी कर सकती हैं। इन्फेक्शन को पहचाने। सी सेक्शन के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमेशा आप अपनी बॉडी को टेस्ट करते रहिए। इसके अलावा आपके शरीर में सूजन, लाल दाने या फिर झाइयां या फिर स्ट्रेच मार्क्स जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि आपको इस प्रकार के लक्षण दिखे तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।